अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त और सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन सिंपल सा न्यूड डिज़ाइन लेकर जिसके ऊपर हम रेशम धागे से और कोके लगाएंगे, जिसके ऊपर आज हम आपको एक और बेहतरीन न्यूड डिज़ाइन बनाने का तरीका हम गमलों बताएंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले रेशम धागा और कोके लगाएंगे। हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले हम रेशमी सिलाई लगाते हैं। हम सबसे पहले लकीरें लगाकर आपको बता देते हैं किस तरीके से हमने ये डिज़ाइन तैयार करना है। और दोस्तों आपने इसकी पर मैच कर लीजिएगा जितना आप ठोका तैयार करना होगा। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब दोस्तों इसके अलावा हमने कितनी लकीरें लगानी है मैं आपको बताता हूँ। आपने लगानी है एक पैर के वक्फे से, यानी जो दो सूत्र के वक्फे से आपने इस तरीके से इसको लकीर लीजिएगा। ये दोस्तों हमने चार लकीरें लगा ली है, इस तरीके से आप लगा लीजिए। फिर हमने पाँच लकीरें इसको मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपने हमने इसको अब ये देखे, अब हमने इसके दोनों साइडों से दो दो सूत्र छोड़कर इस तरीके से जी इस तरीके दोस्तों आपने इसको दोनों साइडों से आपने छोड़कर इसके दबाए का, उसके बाद आपने इसको लकीर लीजिएगा जी इस तरीके। दोस्तों आप इस पर निशान लगा लें जी। ये देखिए दोस्तों हमने इस पर निशान लगा लिया। अब लेते हैं हम पैमाने से इसको लकीर लेते हैं। दोस्तों आपने मुकम्मल नहीं लिखी है ना, आपने देखिए दो सूत्र पीछे ही आपने इसको लकीर लीजिएगा जी। ये देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से इसको अब लकीर लेते हैं जी। ये देखिए दोस्तों अब हमने इसको लकीर लिया है। और उसके बाद दोस्तों आपने नीचे से जो इसकी आपने नीचे से इसकी नोक इस तरीके से आपने नोकदार इसको नीचे से कर लेना है। इस तरीके से आपने दोनों साइडों से आपने इसको इस तरीके नोकदार कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक कोका लगा देंगे। और अब लेते हैं दोस्तों हम बैन का पीस। बैन के पीस के ऊपर भी हम इसी तरीके से ही डिज़ाइन बना लेते हैं। दोस्तों बैन के पीस के ऊपर हमने क्या करना है, इसी तरीके से हमने दो दो सूत्र के वक्फे से हमने इस तरीके से इसके ऊपर लकीर लगाते हैं जी। आप दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर लकीर पाँच लगा लेनी, जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर लगाई थी। दोनों साइडों पर आपने इसी तरीके से ही पाँच पाँच लगा लेनी है जी। इस तरह दोस्तों आप इसको लकीर लीजिएगा जी। दोस्तों आपने इसको मुकम्मल कर लें। ये देखें हमारा जब यहाँ दोनों तरफ से पाँच पाँच लकीरें लगा ली हैं। इसके बाद हमने इसको दोस्तों फिर उसी तरीके से दो दो सूत्र का हम दोनों साइडों पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिर हमने यहाँ से इसकी नोक तक इसको बना देते हैं, जिस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आपने इसकी नोक बना लेनी है। फिर उसके बाद आप इसको मुकम्मल लकीर लीजिएगा जी। इस तरीके दोस्तों आपने इसको जी यार दोस्तों यहाँ पर नोक इसकी बना लें। उसके बाद आपने दूसरे बैन की मदद से आपने इसको गुलाई की शेप में इसको इस तरीके से लकीर लेना है दोस्तों आपने। ये देखिए हमने दोस्तों आपको निशान लगाकर बता दिया है। इस तरीके दोस्तों हम लकीर लेंगे दोनों साइडों पर, हमने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर कोके लगाएंगे, वो भी आपको इस वीडियो में हम कमर बता देंगे जी। इस तरीके दोस्तों आपने इसको लकीर लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपने नोक दूसरी साइड पर भी आपने इस तरीके से नोक बना लेनी है। इस तरीके दोस्तों आपने इसको मुकम्मल कर लीजिएगा जी। ये देखिए दोस्तों अब हमने इसको इस तरीके दोस्तों आपने दरम्यान में दो सूत्र का वक्फा होना चाहिए आपका, जिस तरीके से हमने फ्रंट बैंड के पीर के ऊपर भी हमने निशान लगाया हुआ है, इस तरीके से हमने अब इसको भी मुकम्मल कर लेते हैं। और उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों और सब भाइयों को ये हमारा डिज़ाइन बनाने का तरीका पसंद आएगा, हमारा डिज़ाइन भी पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, इसलिए कि हमारी मजीद वीडियो जितनी भी होगी वो आप भाई और दोस्तों तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों अब लेते हैं हम रेशमी धागा। रेशमी धागे को हम फिर के अंदर डबल भर लेते हैं। अब दोस्तों ये धागा हमने डबल भर लिया। दोस्तों हम सिलाई लगाने का तरीका आपको बता देते हैं। अब चलते हैं मशीन के ऊपर। और जैसे दोस्तों हमने नीचे डबल धागा फिर के अंदर डाल लिया, ऊपर हमने ब्लैक धागा इस्तेमाल किया है। हम दोस्तों हम लकीर लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने जो हमने पाँच लकीर लगाई हुई है उसको हम इस तरीके से इसको लकीर लगा लेते हैं जी। यार दोस्तों इसको आप मुकम्मल कर लीजिएगा जी। इस तरीके दोस्तों आप इसको बना लें। उसके बाद हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से लकीर लगाएंगे इसको जी। जी देखिए दोस्तों अब हमने दोनों जो पाँच लकीर लगाई हुई है इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेते हैं। रेशमी धागा हमने नीचे भरा हुआ, ऊपर हमने लगाया हुआ ब्लैक धागा जी। इस तरीके दोस्तों आपने इसको सिलाई लगा लेनी है जी। आपने दोस्तों इसको मुकम्मल कर लें। जी देखें हमारी जो पाँच सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लगानी है जी
ये देखो दोस्तों हमारा बेहतरीन तरीके से बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा हमारा डिज़ाइन अब बन चुका है। इसके बाद दोस्तों हमने जो साइड वाइज सिलाई लंबी होगी हम वो लगाते हैं जी। अब दोस्तों हमने लंबी सिलाई लगा लेते हैं, इसको अब मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद हमने बैन के पीस के ऊपर भी इसी तरीके से ही सिलाई लगा लेनी है जी। दोस्तों आपने इसको मुकम्मल कर लीजिएगा, नीचे से हमने नोक बनाई हुई इसकी, इस तरीके से आपने इसको नोक बना लेनी है जी। आपने इस तरीके से यहाँ पर इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद आपने और जी देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसको नोकदार बना लिया है। इसके बाद आप दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। आप दोस्तों एक जैसी सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरीके दोस्तों आप इसको मुकम्मल कर लें। और ये देखिए दोस्तों हमने इसको अब ये देखें हमारी बेहतरीन तरीके से नीचे से हमारी नोकदार पट्टी तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। अब लेते हैं बैन का पीस जी। बैन के पीस के ऊपर दोस्तों हम इसी तरीके से पहले जो पांच सिलाई निशान लगाए हुए हैं हम उनके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं जी। आप इस तरीके से उनके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा जी। इस तरीके दोस्तों आप इसको मुकम्मल कर लें। जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी को मुकम्मल किया था इसी तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लेने हैं दोस्तों। मज़ीद डिज़ाइन देखने और सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको हमारे चैनल पर जेंट्स कटिंग और जेंट्स डिज़ाइनिंग जितनी भी होगी वो आपको देखने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा और मज़ीद डिज़ाइन सीखने देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अब हम इस तरीके से दूसरी जगह पर भी इसको मुकम्मल कर लेते हैं। पांच जो निशान लगाए हुए हैं हमने, इस तरीके से दोस्तों हम इसको अब लगा लेते हैं सिलाई हमारे लगा, इसको हमने मुकम्मल करना है। इसके बाद आपने जो बड़ी सिलाई लगा लेनी है तो हमारा जो सिलाई मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम आपको ओके लगाने का तरीका भी बता देते हैं इस वीडियो में जी। ये देखें दोस्तों हमने इसको मुकम्मल कर लिया जी। देखें हमारी जो पाँच सिलाई लग चुकी है बेहतरीन तरीके दोनों साइडों से ये फोल्डिंग होते होकर इस तरीके से ये तैयार हो जाएगी दोस्तों। अब हमने सिलाई जो लगानी है, अब दोस्तों आपने बैन के दरमियान से शुरू कर लेना है इसको जी। इस तरीके दोस्तों आपने बैन जो निशान हमने सिलाई लगानी है वो आपने दरमियान से शुरू कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर हम नोकदार बनाते हैं इसको जी। आप इसको नोकदार बना लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमने इसको घुमा कर भी दूसरी साइड पर सिलाई लगा लेते हैं। इसको अब हम मुकम्मल कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। और ये देखें दोस्तों हमारा बेहतरीन तरीके से हम आज हम आपको जो डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रहे हैं जी। देखें नोकदार हमारी दोस्तों तैयार हो चुकी है। अब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से इसकी नोक बना लेते हैं जी। दोस्तों आपने इस तरीके से इसको मुकम्मल कर लें जी। दोस्तों आपने इसको इस तरीके नोकदार बना लेना। उसके बाद आपने इसको घुमा कर आपने इसकी भी नोक मुकम्मल कर लें। और ये देखें दोस्तों हमारा ये अब मुकम्मल हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा जी दोस्तों। ये देखें दोस्तों अब हमने ये सिलाई लगा ली है। देखिए बेहतरीन तरीके से अब हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ये देखें दोस्तों हमारी फ्रंट पट्टी भी मुकम्मल हो चुकी है। और ये देखें दोस्तों हमारे दोनों भी पीस मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम लेते हैं कोके आज हम, और अब हम कोके लगाने का तरीका आपको बता देते हैं। आपने कोके जिस तरीके से लगाएँगे दोस्तों, हम कोके लगाते हैं इस तरीके से जी। इस तरीके दोस्तों हमने इसको जहाँ पर हम लगाएँगे इसको इस तरीके से रखकर ऊपर से हम इस तरीके से इसको दबा देंगे अंगूठे से, तो जो इसके अंदर इसकी जो नोकियाँ होगी वो इस तरीके से इसके अंदर समा जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आपने इसको दबा दीजिएगा, इसकी नोके नीचे की तरफ निकल आएंगे दोस्तों। आप फिर आप इसको फोल्ड कर दें जी। देखिए दोस्तों हमने इसको इस तरीके से इसकी नोके निकल आएंगे नीचे से। आप इसको हमने इस तरीके से इसको दोनों साइडों से फोल्ड कर देना है। और जी देखिए दोस्तों हमारा जो इस तरीके से आप इसको कोके लगा सकते हैं जी। इस तरीके दोस्तों आपने इसको मुकम्मल कर लीजिएगा जी। देखें हमारा बेहतरीन तरीके से हमारा जब फोल्ड हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों हमने बैन के ऊपर भी आप इसी तरीके से कोके लगा लीजिएगा जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर लगाए थे दोस्तों। ये देखें हमने इस तरीके से इसके नोक बराबर कर लेनी है। उसके बाद हमने इस तरीके से इसको दबा कर इसको मुकम्मल कर लीजिए। दूसरी साइड पर भी हम लगा लेते हैं कोके को। और ये देखें दोस्तों हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया है जी। इस तरीके से आप इस पर लगा लीजिएगा जी। इस तरीके दोस्तों ये देखें हमने ये नोक दूसरी नोक पर भी आप इस तरीके से कोका लगा लीजिएगा जी। आपने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। और जी देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से इसको एक जैसे आपने इसकी सेटिंग करके आपने ऊपर से इसको अंगूठे से दबा दीजिएगा इस तरीके से। जो इसके अंदर इस तरीके से नोक नीचे से बाहर निकलेंगे। उसके बाद आप इसको फोल्ड कर दीजिएगा। और अब दोस्तों आपने अब हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा बैन पीस भी मुकम्मल, फ्रंट पट्टी का पीस मुकम्मल चुका है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं फ्रंट पट्टी को। और आप इसके बैन का जो हमारा पीस है इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। दूसरा पीस बैन का इसके ऊपर लगाकर
इस तरीके से दूसरा पीस आपने इसके ऊपर लगा लेना, इस तरीके से लगा लीजिएगा। उसके बाद आप इसको फोल्ड करके कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों ये देखें हमारा जो मुकम्मल हो चुका है, जैसे उसमें हमारा बैन का पीस है वो देखिए बेहतरीन तरीके से वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, हमने फोल्ड कर लिया। इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखें हमारी फ्रंट पट्टी का पीस मुकम्मल हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। और उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों और सब भाइयों को जो हमारा डिज़ाइन पसंद आया होगा। दोस्तों मज़ीद डिज़ाइन सीखने और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।